भाजपा ने पिछले पौने पांच साल में एक निष्क्रिय विपक्ष का काम किया और पांच साल तक जनता की जो आवाज बनने का काम करना चाहिए था विपक्ष को, करने में बिल्कुल पूरी तरह नाकाम रही है। कुछ सीटों पर बीजेपी पता नहीं ऊपर से उतार कर लाना चाहती है स्काईलैब, जो स्काईलैब आए और सर पे गिर जाए। लेकिन मेरे पास पहले सूचना थी कि सिविल लाइन्स में ये प्रिंसेस को लाए थे, दिया कुमारी जी को, और वो थोड़े दिन घूम के विद्याधर नगर चली गई। अब हमारा टिकट घोषित हुए शायद मेरे अंदाज से 7 या 8 दिन हो गए। हमारी जिसकी बात सरकार कांग्रेस की थी, हम सिर्फ 21 विधायक रह गए थे एक बार, तो दोबारा पुनर्वृत्ति ना हो इस दिशा में हम मिलकर काम कर रहे हैं। और 18 में हम लोग बहुमत पे आए, 21 से 100 पर आए थे। आज हम सबका दायित्व बनता है कि हम पुनः दोबारा मिलकर काम करें, और आज देश की जरूरत है कि कांग्रेस पार्टी की इन राज्यों में सरकार बने। इन राज्यों में हम कामयाब होंगे तभी 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारा इंडिया जो अलायंस है वो कामयाब हो सकेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि पब्लिक हमारे साथ है, नौजवानों में बहुत जोश है, बहुत उत्साह के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और हम लोग भाजपा कोई प्रचार कर ले, लेकिन सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है, ऐसा मैं मानता हूं। ईडी तो एक हथियार बन गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, नरेंद्र मोदी जी का। अब देख लीजिए, राजस्थान में चुनाव हो रहा है और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के यहाँ छापेमारी हो गई, वहाँ के मुख्यमंत्री के बेटे को बुला करके ईडी पूछताछ कर रही है। ये माने ईडी एक हथियार बन गया है, ये ब्लैकमेलिंग है। या लोग निष्क्रिय हो जाए चुनाव में, तो सक्रियता उनकी खत्म हो जाए, इसके लिए ही सब कुछ हो रहा है। अब मुख्यमंत्री को इतना दिन से आप ये कर रहे हैं, हमको आश्चर्य है कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं साहब, ये जीरा हमें 2 मिनट ये मामला नहीं ठहरेगा, उसके बाद युद्ध जो है जमानत सिसोदिया साहब को नहीं मिल रही है। बहुत बुरी हालत है इस मामले में। अनुराग ठाकुर बोल रहे हैं कि जो आदमी ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटता था उसके मंत्री लोग जेल में, अब उनको भी समन हो गया है। अनुराग ठाकुर क्या करेंगे, अनुराग ठाकुर का जिस ढंग से वो है कि गोली मारो किसको नारा लगाने वाला आदमी आज जो है माने भारत सरकार के कैबिनेट का मंत्री बना हुआ है,